हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीजन चल रहा है और त्योहारों पे तो मीठा बहुत सबको पसंद आता है। आज हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक मिठाई जो हम फटाफट से 5 मिनट में बिना गैस जलाए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार की बहुत महंगी मिठाइयों में से एक मिठाई जो सिर्फ 8-10 काजू से हम बनाएंगे। ये देखिए, मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं। हमने यहाँ पे ली है सबसे पहले आधा कटोरी चीनी। आप कटोरी, ग्लास या आपके पास मेजरिंग कप हो तो आप उससे ये मेजरमेंट कर सकते हैं। आधा कटोरी चीनी हम डाल देंगे जार में। आधा कटोरी हमने लिया है नारियल का बुरादा, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और आधा कटोरी हमने लिया है मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी हमने जार में डाल दिया है। हमने ली है यहाँ पे 4-5 हरी इलायची, हरी इलायची के दानों को निकाल के भी हम जार में डाल देंगे। बहुत ही कम सामान से, बहुत ही आसानी से आप किसी भी त्योहार पे इस मिठाई को बना सकते हैं। इलायची डालने के बाद हम डाल देंगे काजू और सभी चीजों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मिठाई बनाने के लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने अच्छे से हमारा मिक्स बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मिक्स हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध। दूध हम जरूरत के अकॉर्डिंग डालेंगे। पहले मैं यहाँ पे 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ। मिक्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम 1 चम्मच दूध और डाल देंगे। देखिए बहुत ही कम सामान से झटपट बनने वाली मिठाई है। देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छे से एकदम हमने टाइट बना लिया है। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से एक पार्ट को हमने हाथ में लिया और देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे और देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से गोल कर लेंगे ताकि जो हमारा मिक्स है वो बिल्कुल एक सा हो जाए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए इसमें कितनी चिकनाई आ गई है, कितना इसने घी छोड़ दिया है। इस तरह से बाकी के दोनों पीस भी हम तैयार कर लेंगे। आइए अब हम फटाफट से मिठाई तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चॉपर बोर्ड पे इस तरह से इसको गोल गोल करना स्टार्ट कर दिया है ताकि जो हमारा रोल है वो बन के आसानी से तैयार हो जाए। आप जितना पतला रोल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी लंबाई को और मोटाई को सेट कर लें। हमने रोल तैयार कर लिया है और रोल को ट्रे में लगा दिया है। इसी तरह से सारे रोल तैयार कर लेंगे। मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं और देखो ट्रे में भी लगा दिए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, हमने अपने बनाए हुए रोल्स को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम रोल्स को वापस से एक बार चॉपर बोर्ड पे रख लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे सेट हो चुके हैं। हमने अपने तैयार किए हुए रोल्स पर ये देखिए चांदी का वर्क लगा देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो लगाइए वरना स्किप कर दीजिए। चांदी का वर्क हमने लगा दिया है। देखिए कितने बढ़िया हमारे रोल्स बनके तैयार हुए हैं।
अब हम इनको कट कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया से हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। झटपट से बनने वाले हमारे काजू रोल बिल्कुल रेडी हैं। आइए सर्व कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे कटिंग वाला पिस्ता लगा दिया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो केसर की पत्ती भी लगा सकते हैं। अब आप किसी भी त्योहार पे या बर्थडे पार्टी पे, किटी पार्टी पर हमारे काजू रोल को बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।